प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित किया। नए भवन का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतीय नागरिकों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। आइए इसी बीच हम इस नए संसद भवन की सुरक्षा बंदोबस्त की अगर बात करें तो आपको बता दें कि 1927 से देश की गाथा का गवाह रहे पुराने संसद भवन के इतिहास में 13 दिसंबर 2001 की तारीख काले अक्षरों में अंकित है। ये वही दिन था जब आतंकवादियों ने सुरक्षा व्यवस्था को तोड़कर संसद भवन में घुसने की कोशिश की थी और सुरक्षा में तैनात 9 सुरक्षा कर्मियों की हत्या कर दी थी। इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुके इसी घटनाक्रम से सीख लेते हुए सुरक्षा को और भी ज्यादा सुदृढ़ करने की व्यवस्था की गई है इस नए संसद भवन में, और इसके लिए संसद भवन के सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने कई देशों का दौरा कर बेहतर सुरक्षा प्रणाली की खोज की जो किसी भी प्रकार के आतंकी और साइबर हमले को नाकाम करने में सक्षम हो। नए संसद भवन की इमारत में अत्याधुनिक हथियारों से लैस सुरक्षाकर्मी, एडवांस टेक्नोलॉजी, अग्निशमन प्रणाली सहित कई पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं जो कि पुरानी इमारत की तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर है। सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी बातों पर नजर डालें तो नए संसद भवन की इमारत में थर्मल इमेजिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है। इसकी मदद से किसी भी घुसपैठियों की आसानी से पहचान की जा सकती है। साथ ही थर्मल इमेजिंग सिस्टम के साथ फेस रिकॉग्निशन सिस्टम और 360 डिग्री कैमरों को लगाया गया है जिससे चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा सकेगी। नए संसद भवन परिसर में मौजूद जनप्रतिनिधियों और व्यक्तियों की सुरक्षा को भी और ज्यादा मजबूत किया गया है। नए संसद भवन में संसद सदस्यों के प्रवेश के लिए एक नया स्मार्ट कार्ड आधारित पहचान पत्र तैयार किया जा रहा है और इस स्मार्ट कार्ड आधारित पहचान पत्र प्रणाली में अनेक सुरक्षा विशेषताएं होंगी। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के साइबर हमलों से निपटने के लिए एक सुरक्षा संचालन केंद्र बनाया गया है जो 24 घंटे निगरानी कर किसी भी संभावित खतरे की जांच करेगा। नए संसद भवन में कई स्तर की सुरक्षा के इंतजाम किए हैं ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। ऐसे में नए आईईडी कार्ड से लेकर बैरियर, बाड़ और चौकियों तक को स्थापित किया गया है। आग की वजह से होने वाले नुकसान से बचने के लिए अग्निशमन प्रणाली की व्यवस्था की गई है।